नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूँ किरण। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बुंदेलखंड के किसानों को किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होगी, किसानों की फसल को दुगनी कर दिया जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार के ये दावे फेल कर रहा है बिजली विभाग। दरअसल बिजली विभाग की कार्यस्थानी के कारण शुक्रवार को बुंदेलखंड के एक किसान ने बिजली ना आने के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र का है, जहां कर्ज की मार और सही समय पर खेतों में पानी ना लगा पाने के कारण एक 42 वर्षीय किसान ने परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना चिल्ला थाना क्षेत्र के महेंदू गांव की है। महेंदू निवासी धनपत के पास 18 बीघा खेत है, जिसमें वह एक निजी नलकूप भी लगवाए हुए है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलने पर एक दिन में केवल एक बीघा खेत ही सींच पाने की वजह से परेशान किसान ने ये कदम उठा लिया। मृत किसान के ऊपर KCC का लगभग 2 लाख रुपये और बिजली विभाग की नोटिस मिलने के कारण बेटी की शादी के लिए लिए गए कर्ज और गिरवी हुए खेत को छुड़वाने के लिए मानसिक तनाव बना हुआ था। वहीं उस किसान के पास कमाई का एकमात्र साधन खेती ही है। जब उसे खेती से ही कुछ मिलने की आशा नहीं थी, तो उसने आत्महत्या कर ली। मृत किसान के बेटे तेन सिंह ने बताया कि कर्ज और खेत ना सींचे जाने के कारण पूरी तरह वो किसान जगता रहता था। किसान की मौत के कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। एक ओर किसान पहलानी तहसील क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर पलरा विद्युत सब स्टेशन पर धरना दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान खेत में पानी न लगा पाने के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम विजय पाल कुशवाहा। और यहाँ पर आज क्या हुआ है? आज यहाँ एक किसान जो है आत्महत्या कर लिया फांसी लगा के, क्योंकि उसके खुद का बोर है और लाइट ना आने के कारण जो है जो तो उसका खेत सूख रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, और उसका KCC कार्ड भी है। इस कारण जो है तो उसने यही अपना चुना जो है। कल मेरे से बातचीत शाम को हो रही थी, कहा क्या करें सिपाही, लाइट नहीं आती, लोग परेशान करते हैं। कहा कल से मैं बोर में नहीं आऊँगा। कल शाम को 4 बजे मेरे से बात हुई, अभी मेरे से बात हुई ख़त्म होने के आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले मेरे से बातचीत हुई, ड्रामा केस नहीं हुई। जब बात हुई थी मोबाइल पर तो क्या कह रहे थे? मोबाइल से नहीं, हमने स्वयं बात हुई। अच्छा, आमने सामने हुई? आमने सामने। क्या बोल रहे हैं? सिपाही परेशान ना हो, पानी मिलेगा, लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही, तो अभी क्या करें, हम चले गए हैं। बाद में उसने ये कर लिया 10 मिनट आधा घंटे बाद। फिलहाल जब इस संबंध में पैलानी की उप जिलाधिकारी सुरभि शर्मा से बात की गई, तो उनका कहना था कि जानकारी करके बताया जाएगा। ये खबर बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमश हुसैन की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।